बेनिफिट्स ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स, ठीक है जी। और यहाँ पे आप टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, आप साथ इमेजेस भी डाल सकते हैं टेक्स्ट के साथ, और आप उनको लिंक्स भी मजीद अंदर लिंक्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल फूड एंड ड्रिंक्स हैव प्लंटी प्लंटी ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है जी, विच आर अनकाउंटेबल एंड यू कैन कंट्रोल कंट्रोल योर बॉडी फिटनेस फिटनेस के स्पेलिंग ठीक बॉडी फिटनेस अप टू 90% by these, ठीक है जी, two things, foods and drinks, okay जी। so हमने इसको save किया, save करने के बाद again save menu, ठीक है जी, इसको करना जरूरी है। और उसके बाद जो है आप अपना color mac का यानी जो आपका होम पेज है उसको विजिट करें, sports में आप देख सकते हैं वन कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ठीक है। इवन यू कैन ऐड वीडियोस इन योर मेन्यू, इवन यू कैन ऐड लिंक्स, इवन यू कैन ऐड एनी गैलरी इमेज गैलरी, तो जो जो विजिट्स में आप सब चीजें यहां पे डाल सकते हैं। अब आपने देखा है कि हमारा कुछ कुछ हद तक जो है मेन्यू दैट इज अकॉर्डिंग टू द इल्म की दुनिया हिसाब से हम बना रहे थे, तो यहाँ पे आप फूड एंड ड्रिंक्स कैस्टर ऑयल नीचे 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 काफी सारी चीजें डाल सकते हैं जी। नीचे जो है वो आप सब आइटम्स बनाते जाए ना, जैसे अभी कैस्टर ऑयल है, अब मैं जो है यहाँ से निकलता हूँ मेन्यूज में यहाँ पे जाता हूँ जी, यहाँ पे मैं पोस्ट और डाल देता हूँ ना, देखिए मैं आपके सामने क्या करता हूँ कि पेजेस में जाता हूँ जी जी, पोस्ट एंड पेजेस में से लेना है, आप अपना एक्सटर्नल लिंक्स में से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ये स्पोर्ट्स के अंडर फॉर एग्जाम्पल फूड एंड हेल्थ भी डाल रहा हूँ, फूड एंड हेल्थ इसको मैं ऐड टू मेन्यू कर रहा हूँ, ठीक हो गया जी। अब मैं फूड एंड हेल्थ जो है वो मैं यहाँ पे कैस्टर ऑयल के इस लेवल पे ला रहा हूँ, ये देखें ये इनका लेवल सेम है, इसका लेवल इससे पीछे है और इसका लेवल सबसे पीछे, ये लेवल वन है, ये लेवल टू है, ये लेवल थ्री है, ये भी लेवल थ्री है, ठीक है। अब मैं इसको सेव मेन्यू करता हूँ, सेव मेन्यू करने के बाद हम जो है वो जाके यहाँ पे देखते हैं, और ये देखें यहाँ पे स्पोर्ट्स में जब हम आए इसको भी हमने रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश एक दफा करेंगे। अब आप देखें कि जब मैं यहां पे आया हूं यानी स्पोर्ट्स में, तो आप देखें फूड एंड ड्रिंक्स कैस्टर ऑयल फूड एंड हेल्थ यहां पे आ गया जी जी। वैसे तो पहले वैसे ही आएगा, लेकिन हम इस पूरे मेन्यू को सेटिंग भी कर सकते हैं, इसका यहाँ पे ऊपर जो टेक्स्ट का कलर है ये चेंज कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, स्क्रैच से करो